भाषा में, स्थानीय भाषा में मेडिकल एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी सरकारें सुविधाएं खड़ी करे ताकि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके। बीते वर्षों में कैंसर के अनेकों ऐसी जरूरी दवाएं हैं जिनकी कीमतें लगभग आधी हो गई है। इससे हर साल कैंसर मरीजों के लगभग 1000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 900 से ज्यादा दवाएं सस्ते में उपलब्ध हो, जो दवाई 100 रुपए में मिलती है वो 10 रुपया 20 रुपए में मिल जाए, इसका प्रबंध किया गया है। इनमें से अनेक दवाएं कैंसर के इलाज से भी जुड़ी हुई है। इन सुविधाओं से भी मरीजों के सैकड़ों करोड़ रुपए बच रहे हैं। किसी परिवार में बुजुर्ग मां बाप हो, डायबिटीज जैसी बीमारी हो, तो मध्यम वर्ग निम्न मध्यम परिवार का महीने का 1000, 1500, 2000 रुपया दवाई का खर्चा होता है, जन औषधि केंद्र में वो खर्चा 80, 90, 100 रुपये में पूरा हो जाता है। ये चिंता हमने की है। यही नहीं, आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ पाने वालों में बहुत बड़ी संख्या में कैंसर के पेशेंट्स हैं। जब ये योजना नहीं थी तो बहुत सारे गरीब परिवार कैंसर के इलाज से ही बचते थे। वो सोचते थे कि अगर मैं अस्पताल जाऊं तो बेटे के लिए कर्ज करना पड़ेगा और इस कर्ज मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। बूढ़े मां बाप मरना पसंद करते थे लेकिन बच्चों पर बोझ बनना पसंद नहीं करते थे, अस्पताल नहीं जाते थे, इलाज नहीं करवाते थे। गरीब मां बाप अगर इलाज के अभाव में मरे तो फिर हम किस काम के लिए। विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें, वो तो इलाज ही नहीं करवाती थी, वो देखती थी कि इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है, घर और जमीन बेचनी पड़ती है। हमारी माताओं बहनों बेटियों को इस चिंता से भी मुक्ति करने का भी काम हमारी सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत योजना से सिर्फ मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा है बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने में भी मदद मिल रही है। असम सहित पूरे देश में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं उनमें 15 करोड़ से अधिक साथियों की कैंसर से जुड़ी जांच हो चुकी है। कैंसर की स्थिति में तो ये बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द बीमारी का पता चले, इससे बीमारी को गंभीर बनने से रोका जा सकता है। साथियों, देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है उसका लाभ भी असम को मिल रहा है। हेमंता जी और उनकी टीम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के राष्ट्रीय संकल्प के लिए प्रशंसनीय प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर्स तक सारी सुविधाएं असम में लगातार बढ़ती रहे। क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर असम में तेजी से जमीन पर उतरे, इसके लिए असम सरकार ने बेहतरीन काम करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। भाइयों और बहनों, कोरोना के संक्रमण से देश और दुनिया लगातार लड़ रही है। भारत में टीकाकरण अभियान का दायरा बहुत बढ़ गया है। अब तो बच्चों के लिए भी अनेक वैक्सीन अप्रूव हो गई है, प्रिकॉशन डोज के लिए भी अनुमति दे दी गई है। अब ये हम सभी का दायित्व है कि समय पर खुद भी टीका लगवाएं और बच्चों को भी ये सुरक्षा कवच दें। साथियों, केंद्र और असम सरकार चाय बगानों में काम करने वाले लाखों परिवारों को बेहतर जीवन देने के लिए पूरी ईमानदारी से जुटी है। मुफ्त राशन से लेकर हर घर जल योजना के तहत जो भी सुविधाएं हैं असम सरकार उनको तेजी से चाय बागानों तक पहुंचा रही है। शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है। विकास के लाभ से समाज का कोई भी व्यक्ति कोई भी परिवार न छूटे,
ये हमारा प्रयास है, ये हमारा संकल्प है। भाइयों और बहनों, आज भारत में विकास की जिस धारा को लेकर हम चल रहे हैं, उसमें जन कल्याण के दायरे को हमने बहुत व्यापक कर दिया है। पहले सिर्फ कुछ सब्सिडी को ही जन कल्याण से जोड़कर देखा जाता था, इंफ्रास्ट्रक्चर के कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट को वेलफेयर से जोड़कर नहीं देखा जाता था, जबकि बेहतर कनेक्टिविटी के अभाव में जन सुविधाओं की डिलीवरी बहुत मुश्किल होती है। पिछली सदी की उस असाधारण अवधारणा को पीछे छोड़कर अब देश आगे बढ़ रहा है। आज आप देखते हैं कि असम के दूर सुदूर क्षेत्रों में सड़कें बन रही हैं, ब्रह्मपुत्र पर पुल बन रहे हैं, रेल नेटवर्क सशक्त हो रहा है। इन सबसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जाना आसान हुआ है, रोजी रोटी के अवसर खुल रहे हैं, गरीब से गरीब को पैसे की बचत हो रही है। आज गरीब से गरीब को मोबाइल फोन की सुविधा मिल रही है, इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है, इससे उसे सरकार की हर सेवा प्राप्त करना आसान हुआ है, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल रही है। भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सोच के साथ हम असम और देश के विकास को गति देने में जुटे हैं। हमारी कोशिश है कि असम की कनेक्टिविटी सशक्त हो, यहां इन्वेस्टमेंट के नए अवसर बने, असम में निवेश के लिए अनेक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को हमें अवसरों में बदलना है, चाहे हो ऑर्गेनिक खेती हो, ऑयल से जुड़े उद्योग हो या फिर टूरिज्म, असम के विकास को हमें नई बुलंदी तक ले जाना है। साथियों,